नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला चावल की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये चावल खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी भी लगती है और बनके भी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर गैस पर चढ़ाएँगे, उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। इलायची, चार लौंग और थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे। आप इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन थोड़ा सा बारीक कटा हुआ डालेंगे। इसे हम चला लेंगे। अब इसमें हम दो कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे हम अच्छे से एक मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम सब्जी डालेंगे। आलू, गाजर डाल रहे हैं। आप इसमें अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने तीन हरी मिर्च भी डाले, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम दो कटे हुए टमाटर डालेंगे। सोयाबीन भी डाल रहे हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। बच्चों को सोयाबीन बहुत ही पसंद आती है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच नमक डाले हैं। आप अपना नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। चावल को पहले से धो लिए थे, अब इसमें मैंने डाल दे रही हूँ। आप यहाँ पर कोई भी चावल ले सकते हैं। अब हम इसमें दो चम्मच घी डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और एक पैकेट हम इसमें मैगी मसाला डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से चला लेंगे। इसी कप से मैंने दो कप चावल लिए थे, तो इसमें हम तीन कप पानी डालेंगे। जितना आप चावल लें उससे तीन गुना पानी लें। और इसे हम अच्छी तरह से चला लिए हैं। एक सीटी आने तक हम पकने देंगे। हमारे एक सीटी हो चुके हैं, मैं इसका हवा निकाल दे रही हूँ। ये देखिए, ये चावल बनके रेडी हो चुके हैं। ये देखिए चावल कितने ही टेस्टी बने घर में। आपको जब दाल सब्जी खाने का मन ना करे तो ये चावल बनाकर आप जरूर खाइए। बहुत जल्दी बन भी जाती है और बहुत जल्दी टेस्टी भी लगती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।